हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी विश्वनाथ सावन। वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, गर्मी का सीज़न चालू हो गया है और मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ। यहाँ पे तो बहुत अच्छी खासी धूप निकलती है और उसके साथ गर्मी भी होती है, और इन बिटवीन अगर आपका चलता हुआ एसी ख़राब हो जाए और वो वारंटी में ना हो तो बहुत ही दिक्कत होती है। और सेम वे मेरे साथ भी हुआ। मैंने वर्लपूल का 1.5 टन का एसी लिया था 3 साल पहले। ब्रांड की 1 ईयर की वारंटी थी, उसके बाद मैंने एक्सटेंडेड वारंटी भी ली थी। बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, ब्रांड की जो एक्सटेंडेड वारंटी जैसे ख़त्म हो गई, दूसरे ही हफ्ते मेरा एसी ख़राब हो गया। सिचुएशन ऐसे थी कि एग्जिस्टिंग एसी को रिपेयर करें या नया एसी ले लें, तो यही मैं डायलेमा में था दोस्तों कि क्या करूँ। तो मैंने मेरे कुछ फ्रेंड्स को कंसल्ट किया तो मुझे कुछ ये सुनने को मिला। जो कंप्रेसर जो रहता है ना, वो एसी का हार्ट रहता है, और जो पीसीबी जो रहता है वो एसी का ब्रेन रहता है, और जो रेफ्रिजरेंट है वो ब्लड की तरह होता है जो एसी में घूमता रहता है। पर एसी विद ह्यूमन बॉडी, कंप्रेसर लाइक वर्क्स लाइक हार्ट, पीसीबी वर्क्स लाइक ब्रेन, एंड रेफ्रिजरेंट रन्स लाइक ब्लड। इट्स रियली वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। AC is like our body, compressor is like our heart, and the PCB is like our brain, and refrigerant is like our blood. Make it simple. आपने मेरे फ्रेंड्स के कमेंट तो सुन ही लिए होंगे, तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि कॉम्प्रेसर होता है हार्ट, PCB होता है ब्रेन, और जो रेफ्रिजरेंट चलता है AC में वो होता है ब्लड। सो ये सिंपल है दोस्तों, बट बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए जब भी हम ऐसे सिचुएशन में आते हैं जहाँ पे हमारा चलता हुआ एसी ख़राब हो जाता है, और हमें क्या करना है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो फ्रेंड्स। सो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर आपका एसी ख़राब होता है तो क्या करना है, उसको रिपेयर करना है, AMC बढ़ाना है, AMC लेना है, या नया एसी खरीदना है। मेरे ऊपर जो सिचुएशन आई थी बेसिस में मैंने जो स्टडी किया था वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो पहले दोस्तों, मैंने जो एक्सटेंडेड वारंटी जिनसे ली थी, मैंने उनको बुलाया, उनसे चेक करवाया, तो उन्होंने बताया तो मेरे एसी की जो पीसीबी है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, वो ख़राब हो चुकी है। तो मैंने उनको पूछा कि क्यों ये रिपेयर नहीं होती। सो दे सेड कि ये रिपेयर नहीं होती, आपको नया परचेस करना पड़ेगा और इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। ये था। उसके बाद फिर मैंने जो ब्रांड है, तो ब्रांड के टेक्नीशियन को बुलाया घर पे और उनसे चेक करवाया। उन्होंने भी सर्टिफाइड किया कि मेरे एसी का पीसीबी ख़राब हो चुका है। उसके बाद फिर कुछ कैलकुलेशन मेरे सामने आए, जो मेरे एग्जिस्टिंग AMC वेंडर से थे, तो वो कुछ ऐसे थे, पीसीबी का जो खर्चा है वो मुझे पहले करना पड़ेगा। तो मेरा सिचुएशन दोस्तों ऐसा हो गया था कि मेरा एक्सटेंडेड वारंटी ख़त्म हो चुका था, तो एक्सटेंडेड वारंटी और आगे रिन्यू करने के लिए मुझे करना था पीसीबी को रिपेयर। तो वो पीसीबी रिपेयर करने के जो चार्जेस थे वो थे बिटवीन 10,000 to 12,000, कंसिडर 12,000। सो उन्होंने बताया कि बेस्ड ऑन द मॉडल इट्स वेरी द प्राइस, तो वो था 12,000। उसके बाद एक्सटेंडेड वारंटी जो मुझे ऑफर कर रहे थे कॉम्प्रिहेंसिव AMC, वो थी 6,000 रुपीज़ की। तो टेक्नीशियन को मैंने पूछा था कि बॉस, ये पीसीबी गया कैसे, 3 साल में तो उसको कुछ नहीं होता है, ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हो गया कि वो पीसीबी ख़राब हो गया। उन्होंने मुझे ये रीज़न बताया कि ये पावर फ्लक्चुएशन के वजह से हुआ है। बट अगर पावर फ्लक्चुएशन से हुआ है तो 3 साल में कभी नहीं हुआ, ये अभी हुआ। ये समझ सकते हैं कि रेनी सीजन चल रहा है और इन बिटवीन अगर कुछ फ्लक्चुएशन होता है तो दैट इज़ अंडरस्टूड कि वो टाइम पे हो सकता है प्रॉब्लम। बट अभी जो सीज़न चल रहा है दोस्तों, वो विंटर और समर, इसके मिड सीजन में चल रहा है। आई डिड नॉट रिसीव अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर कि ये ख़राब क्यों हुआ है। तो इसको ज़रा साइड में रख देते हैं। तो इसका जो खर्चा है, मतलब 12,000 रुपीज़ फॉर PCB, 6,000 रुपीज़ फॉर एक्सटेंडेड वारंटी फॉर 2 ईयर्स, और उसके बाद जैसे कि टेक्नीशियन ने बताया कि ये लाइट फ्लक्चुएशन के वजह से हुआ है, और मेरा जो एग्जिस्टिंग AC था जो ख़राब हो चुका था
उसमें वोल्टेज कंट्रोलर नहीं था, स्टेबिलाइजर नहीं था। तो अगर मैं एडिशनल स्टेबिलाइजर परचेस करने जाऊँ तो उसका खर्चा था 2,600 रुपये। बिकॉज जो हम पीसीबी डालते हैं कंपनी से, तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीने का ही वारंटी देती है, ये मुझे टेक्नीशियन ने बताया। तो ये मोटा मोटी खर्चा था दोस्तों 21,000। वैसे मेरा वर्लपूल का एसी एकदम मेंट कंडीशन में था, इंडोर यूनिट एंड आउटडोर यूनिट बोथ, बट पीसीबी फेल हो गया। तो व्हाट आई फील कि 21,000 डालना और एसी को रिपेयर करना, इज इट वर्थ? सो आई फील इट्स नॉट वर्थ। व्हाई? मैं आपको बताता हूँ इसके कैलकुलेशंस। तो जैसे इसका जो खर्चा था 21,000 हो रहा था, और 21,000 होने के बाद मेरा एसी 2 साल के लिए कवर होने वाला था, और बाय दैट टाइम मेरी एसी की जो एज है वो 5 साल होती, और 5 साल के बाद ये लोग एक्सटेंड, मतलब 5 साल के बाद वैसे भी कोई भी ब्रांड वारंटी देता नहीं। तो उसके बाद मेरा एसी तो मतलब अगर उसका कुछ भी खर्चा होता है तो मुझे मेरे जेब से ही करना पड़ेगा, और वो बहुत ज़्यादा होगा बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस मतलब वेयर एंड टेयर में यूसेज ज़्यादा हो के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, और दोज बिकम अ बिग प्रॉब्लम। तो फिर हमने क्या सोचा कि 21,000 अगर इसमें ही देने हैं, सो वाई नॉट टू चेक द लेटेस्ट अवेलेबल ACs इन द मार्केट। अभी इससे क्या हो गया था, हमें एक एक्सपीरियंस तो आ गया था, तो क्या क्या चीज़ें देखनी हैं। सो पहली बात तो हमने ये तो पार्क कर दिया, एक क्वेश्चन है उसको पार्क कर देते हैं, जो कि था AC रिपेयर करना है। तो हमने सोचा कि AC रिपेयर नहीं करना है, बिकॉज 21,000 रुपया पे करना और उसके बाद 2 साल के बाद उसको और झेलना, तो वो ज़्यादा खर्चीला होता, तो हमने उसको ड्रॉप कर दिया। सो नेक्स्ट हमने शॉप में विज़िट किया, विजय सेल्स में विज़िट किया, हमने रिलायंस के शॉप में विज़िट किया। तो वहाँ पे हमें एक प्रोडक्ट दिखा, आई मीन वैसे तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स है, ओके, जैसे डाइकिन हो गया, ब्लू स्टार हो गया, दे आर रिनाउंड ब्रांड इन एसी। तो उसके साथ ही साथ सैमसंग और LG ये बहुत टफ फाइट देते हैं, बिकॉज दे कम्स विद लॉट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। तो इसमें LG और सैमसंग दोनों भी अच्छे लगे, बट मैंने सैमसंग को सिलेक्ट किया बिकॉज सैमसंग डिलीवर कर रहा था बहुत ही अच्छे फीचर्स, ठीक है, जिसमें कि जो आउटडोर यूनिट है उसका नॉइज लेवल कम था, बिकॉज उसमें ड्यूअल मोटर यूज़ की गई थी, जिसके वजह से जो आउटडोर कंप्रेसर आउटडोर यूनिट है उसका नॉइज लेवल बहुत कम था। इंडोर में बताएंगे तो इंडोर में थोड़ा नॉइज़ आता है बिकॉज फ़ैन का आवाज़ थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब इतना नहीं बट निग्लिजिबल है, बट होता है। और फीचर वाइज 1.5 टन को वी कैन रिड्यूस टू 1 टन ऑल्सो बेस्ड ऑन आर नीड। सो बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे जिसके वजह से हमने चॉइस किया सैमसंग 1.5 टन 100% कॉपर AC। तो उसके लिए दोस्तों उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, तो हमने क्या किया, हमने स्टोर में ही जो एडवाइज़र थे उनसे उनका हमने वीडियो रिकॉर्ड किया आपके लिए, सो दैट हमसे कोई एक भी चीज़ मिस ना हो। तो हम कंटिन्यू करते हैं वो वीडियो को, इंट्रोड्यूस करते हैं सैमसंग का न्यू लाइनअप जो 2021 में लॉन्च किया है। यहाँ पे आपको मेन एडवांटेज मिल रहा है कि जो फिल्टर दिया है इसमें, तो एंटी डस्ट फिल्टर और एंटी बैक्टीरिया फिल्टर यूज़ किया है, जहाँ पे PM 1.0 फिल्टर यूज़ किया है, जिसकी वजह से हमको बेनिफिट होता है कि यहाँ से बारिश डस्ट आर्टिकल्स होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं उसको डीएक्टिवेट करता है। उसके बाद में यहाँ पे जो गैस यूज़ किया है सारे एसी में और फेसिकल गैस यूज़ किया, तो इको फ्रेंडली गैस है। इको फ्रेंडली गैस होने की वजह से हमारे घर में जो बेबीज़ वगैरह होते हैं या जो हमारे ग्रैंडपास वगैरह होते हैं उनको कुछ इशू नहीं होता, इको फ्रेंडली गैस होने के कारण आपको वो सब बेनिफिट मिलता है। उसके बाद में इसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन प्रोटेक्टर दिया है, उसका बेनिफिट है कि आपको स्टेबिलाइजर लगाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इसका स्टेबिलाइजर फ्री ऑपरेशन दिया है, जो मिनिमम 130 वैट मैक्सिमम 290 वैट तक वो वर्क करता है। 100% कॉपर यूज़ किया है, जिसका बेनिफिट आपको 100% कॉपर यूज़ किया है, जहाँ पे आपको इंडोर आउटडोर दोनों भी कॉपर में यूज़ किया है, तो आपको ड्यूरेबिलिटी आपका ज़्यादा आएगा। उसके बाद में यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन इसके अंदर दिया है सैमसंग एसी में कि आपका एसी का इंस्टॉलेशन प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप घर पे चेक कर सकते हो। सिर्फ आपको रिमोट के ऊपर सेट पावर मोड ये 3 बटन एक साथ प्रेस करना है, आपके रिमोट के ऊपर 99 डिजिट आएगा तो आपका एसी प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपका एसी प्रॉपर इंस्टॉल नहीं होता है तो आपके घर में लीकेज के प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, जो हम लोग बोलते हैं कि हमारे एसी ख़राब है, ऐसी ख़राब नहीं होता, हमारा इंस्टॉलेशन का इशू होता है। उसके बाद में यहाँ पे 100.1 कन्वर्टेबल यूज़ किया है, जहाँ पे मोड्स दिया है,
5.1 के इको, एक होम ऑलन मोड है, दूसरा इको मोड है, तीसरा प्लेजेंट मोड है, चौथा नॉर्मल मोड है, पांचवा पार्टी मोड है। अगर होम ऑलन मोड हम लोग सेट करते हैं तो नॉर्मली ये 40% पे वर्क करता है। यहाँ पे बेनिफिट ये मिलेगा कि जब तक आप उसको कमांड नहीं करोगे दूसरा मोड के लिए, तब तक ये आपका 40% पे वर्क करेगा, तो आपका जो पावर सेविंग है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको 40% के हिसाब से आपने रन किया है तो आपका जो कंप्रेसर है 40% के हिसाब से ही रन करेगा, तो आपका बेनिफिट मिलता है कि पावर सेविंग। दूसरा दिया इको मोड, इको मोड आपका 60% पे वर्क करेगा। जो तीसरा दिया है प्लेजेंट मोड, प्लेजेंट आपका 80% पे वर्क करता है। नॉर्मल जो होता है 100% पे वर्क करता है। नॉर्मल ऐसे आप कोई भी ये लेते हो तो नॉर्मल 100% पे वर्क होता है, जहाँ पे आपका पावर कंजम्पशन नॉर्मल के हिसाब से रहता है। और पांचवा दिया है पार्टी मोड। ये पार्टी मोड आपका कब यूज़ होता है, जब आपके घर पे गेस्ट आए हो या आपके घर पे कोई फंक्शंस है और आपको कंफर्ट फील महसूस करना है, तो आप उसको 120% तक आप चेक कर सकते हो। ये बेनिफिट आपको इसके अंदर मिलता है। इसमें ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से देखते हो तो 1 ईयर कंप्लीट वारंटी आ रहा है, 10 ईयर्स कंप्रेसर वारंटी आ रहा है। बट इसके साथ में कंपनी ने आपको 3 से 4 चीज़ों की जो 5 की वारंटी हो ज़्यादा दिया है, जिसमें पीसीबी कंट्रोलर, एवेपरेटर कॉइल, इंडोर आउटडोर फैन, मोटर और गैस रिचार्ज। गैस रिचार्ज आपको 5 साल तक के ये कंपनी ने आपको दिया है। ये मैंने आपको सैमसंग ने 2021 के लाइनअप में सारे इन्वर्टर एसी में आपको दिया है। यस, ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, तो इसका मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ Part 2, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा ये एसी का इंस्टॉलेशन, और उसके बाद 3rd और एक वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें हम करेंगे सैमसंग एंड LG का कंपैरिजन कि कौन सा लेना सही है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है आने वाले 2 वीडियो में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और पसंद आया तो दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टेक केयर। जय हिंद।